हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच इट मैनेज द प्राइमरी मेमोरी रैम बाय मूविंग द प्रोसेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन द डिस्क एंड द रैम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है कि जब भी हम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो क्या होता है, वो प्रोसेस उठकर आपको रैम में आना है। ठीक है, पहले आपका वो प्रोसेस कितने होता है, सेकेंडरी डिवाइस में होता है। एंड फिर जैसे आप उसको प्रोसेस को रनिंग स्टेट में, जैसे प्रोसेस आता है तो कहाँ आता है, रैम में। अब ये आपका रैम है, इसमें आ गया प्रोसेस। तो मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है जो रैम में आएगा, उसको जो मेमोरी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी मिलेगी, कैसे मिलेगी, ठीक है, कब मिलेगी, ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं या जो भी ये सब काम है, वो सब सारे काम को, ग्रुप को क्या बोलते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट। इट मींस मैनेजमेंट ऑफ रैम। ठीक है, यहाँ पर अभी हम सेकेंडरी डिवाइस की मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब कौन सी मेमोरी की बात हो रही है, रैम मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है। तो ये कौन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। कि आपको याद होगा कि फर्स्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें था कि मेमोरी मैनेजमेंट का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कैसे करता है कि अगर कोई प्रोसेस है, जैसे आपने उसको रन किया, वो प्रोसेस को इसमें रैम में मेमोरी मिलेगी। अगर कोई प्रोसेस दूसरा आप रन करते हो एंड इसमें कोई, इसमें उतना स्पेस नहीं है उस प्रोसेस को रन करने के लिए, तो क्या करेगा, उस प्रोसेस को बैक सेकेंडरी डिवाइस में ले जाएगा। एंड सेकेंडरी डिवाइस क्या होता है, वेटिंग स्टेट में। एंड फिर जैसे वो जो अभी आपने जो प्रोसेस रन किया था उसको रन करेगा, एंड वो प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो देन आपने जो फर्स्ट प्रोसेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जो स्टोर किया था उसको फिर रैम में ला देगा। तो इसको बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, अब फंक्शन देखिए, कीप ट्रैक ऑफ एवरी मेमोरी लोकेशन वेदर मेमोरी इज एलोकेटेड और फ्री। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रैम जो हमारा है उसका हर एक पार्ट के लोकेशन का ये इन्फॉर्मेशन रखता है कि वो पार्ट हमारा एलोकेटेड है या नहीं। एलोकेटेड किसको होगा, किसी प्रोसेस को, तो किसी प्रोसेस को वो पार्ट एलोकेटेड है या नहीं। अगर एलोकेटेड है उसका भी रिकॉर्ड रखेगा, नहीं एलोकेटेड है उसका भी एलोकेटेड उसका भी रिकॉर्ड रखेगा। क्यों, क्योंकि अगर वो फ्री होगा तो जैसे ही कोई दूसरा प्रोसेस आएगा तो उसको वो क्या करेगा, उसको एलोकेट करेगा। एंड अगर एलोकेटेड है उसका रिकॉर्ड इसलिए रखेगा क्योंकि जैसे ही वो प्रोसेस फिनिश होगा तो वो मेमोरी को क्या करेगा, फ्री करेगा। कीप ट्रैक ऑफ हाउ मच मेमोरी इज एलोकेटेड, ये भी ट्रैक रखेगा कि जो हमारा पूरा जो रैम है उसका कितना पार्ट, हमारा हाफ पार्ट या कितना पार्ट, टोटल कितना मेमोरी हमारा एलोकेटेड हो चुका है। टेक डिसीजन विच प्रोसेस विल गेट हाउ मच मेमोरी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि कोई भी आप प्रोसेस रन करते हो तो उसको कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी प्रोसेस हो सकता है कि 200 MB का हो। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि स्टार्टिंग में आपको 200 MB रैम में मिल जाता है, नहीं, उस प्रोसेस को 200 MB में से कितने MB उसको एलोकेटेड होगा रैम में, ये कौन डिसाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी कभी जैसे आप अपने लैपटॉप में या पीसी में 4 GB का आपने रैम लगा रखा है, ऐसा थोड़ी है कि अगर आपका कोई प्रोग्राम हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, अगर 8 GB का अगर वो टोटल साइज का सॉफ्टवेयर तो रन नहीं करेगा, रन होगा। कैसे रन होता है, यही तो इसका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि 8 GB में प्रोसेस को भी वो रन कर देगा 4 GB के रैम में। कैसे, जो 8 GB का जो प्रोसेस होगा, जो प्रोग्राम होगा या जो एप्लीकेशन होगा, उसके कुछ पार्ट्स को रैम में लाएगा, उसको रन करेगा। क्योंकि आप जो भी प्रोसेस को रन करोगे या कोई एप्लीकेशन को रन करोगे, उसके कंप्लीट पार्ट का रिक्वायरमेंट आपको एक टाइम में थोड़ी होता है। तो जो पार्ट का आपका रिक्वायरमेंट होगा स्टार्टिंग का बेसिक, वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कौन से पार्ट को लाकर रन करना है। एंड जैसे जैसे आप रिक्वायरमेंट डालते जाओगे, अगर किसी फंक्शनैलिटी को अगर आप कॉल करते हो उस एप्लीकेशन में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस फंक्शनैलिटी से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होगा उसको तुरंत रैम में लाएगा, उसको एग्जीक्यूट करा देगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। व्हेन द प्रोसेस विल गेट मेमोरी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि कोई प्रोसेस को मेमोरी कब मिलेगी। जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर आप कोई प्रोसेस को रन कर रहे हो एंड अगर आप कोई सेकंड प्रोसेस को फिर से रन कर रहे हो, मतलब फर्स्ट प्रोसेस ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है एंड सेकंड प्रोसेस को अगर आप रन करते हो, एंड जो सेकंड प्रोसेस है उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ रैम चाहिए, ये जितना अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए वो सफिशियंट नहीं है, तो क्या करेगा कि फर्स्ट प्रोसेस जो है उसको शिफ्ट कर देगा सेकेंडरी डिवाइस में। एंड जो आपने सेकंड प्रोसेस जो किया था वो अगर हायर प्रायोरिटी किया तो उसको क्या करेगा, उसको मेमोरी दे देगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि किसी भी प्रोसेस को कब मेमोरी मिलेगी। ठीक है,
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पर किस मेमोरी की बात हो रही है, रैम की बात हो रही है, सेकेंडरी डिवाइस की भी बात नहीं कर रहे हैं। एंड मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा रैम है उसको कैसे हम यूटिलाइज करें, कैसे उसको हमारे जितने भी प्रोसेस हैं उस सारे प्रोसेस को रन करने के लिए हमें यही इतना ही बड़ा अमाउंट ऑफ मेमोरी है, तो इसको कैसे यूज करके हमारा सारा प्रोसेस रन हो पाए। ठीक है, एक और बात है कि अगर हम कोई मेमोरी लेते हैं, जैसे रैम अगर हम अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, तो उसके लिए हमारा क्या मतलब सोच क्या रहता है कि हमारा रैम का साइज क्या होना चाहिए, छोटा या बड़ा, जितना बड़ा हो सकेगा उतना बड़ा। ठीक है, एक्सेस टाइम क्या होता है, एक्सेस टाइम होता है कि जैसे ही कोई प्रोसेस सीपीयू रिक्वायर करता है, मतलब सीपीयू बोलता है कि ये प्रोसेस मुझे चाहिए, तो सीपीयू क्या करता है कि वो प्रोसेस को जाता है रैम में, खोजता है रैम में, जब मिलता है उस प्रोसेस को फिर वापस ले आकर माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो टाइम लगा माइक्रो प्रोसेसर से रैम में आना एंड रैम में से उस प्रोसेस को खोजना एंड उस प्रोसेस के कोड को लेकर जाना माइक्रो प्रोसेसर में एंड उसको एग्जीक्यूट करना, तो ये जो एक्सेस टाइम लगा मेमोरी को रैम को एक्सेस करना, तो उसको क्या बोलते हैं एक्सेस टाइम। अब क्या चाहोगे कि एक्सेस टाइम ज्यादा हो या कम हो, एक्सेस टाइम कम हो, क्योंकि आपको जितना कम टाइम लगेगा रैम में से मेमोरी में से, रैम बोले या मेमोरी बोलो, किसी भी प्रोग्राम को खोजने के लिए, उतना आपका प्रोसेस क्या होगा फास्ट होगा, तो आप क्या चाहोगे एक्सेस टाइम कम हो। एंड साइज क्या चाहोगे आप ज्यादा हो, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा साइज का आप चाहोगे कि हमारा मेमोरी हो, क्योंकि आप क्या करोगे एक बार में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आप स्टोर कर पाओगे। अगर आपका रैम का साइज बड़ा है तो आप क्या कर सकते हो एक बार में मल्टीपल प्रोसेस, लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस आप एक बार में उसमें रन कर सकते हो। पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट क्या होता है कि आपका जो कॉस्टिंग होना चाहिए रैम का, ओवरऑल जो कॉस्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन ये तो हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि हमारा रैम का साइज जितना ज्यादा हो सके उतना हो, एक्सेस टाइम उसका उतना जितना कम हो सके उतना हो, एंड पर यूनिट कॉस्ट जितना कम हो सके उतना हो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप रैम की साइज को बड़ा करोगे, जैसे मान लो कि ये 1 GB का रैम है एंड ये 2 GB का रैम है, ठीक है, अब साइज पर मत जाना कि ये इतना बड़ा है और ये छोटा कैसे हो गया। ठीक है, तो 1 GB का रैम है एंड ये 2 GB का रैम है, तो आप ये बात लॉजिकली सोचो कि अगर सीपीयू या ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है रैम में से किसी प्रोसेस को सर्च करता है, ठीक है, किसी प्रोसेस को क्या करेगा, सर्च कर रहा है कि वो प्रोसेस कहाँ है, तो उसको सर्च करने में टाइम किसमें कम लगेगा, इसमें या इसमें? इसमें कम लगेगा। क्यों? अगर आप यही सोचो, अगर घर छोटा हो, अगर आपका कोई सामान गुम हो जाता है, तो अगर आपको टाइम किसमें कम लगेगा, छोटे घर में कम लगेगा ना, अगर बड़ा घर है तो उसमें टाइम आपको ज्यादा लगेगा सामान कहाँ है खोजने में। उसी तरह कि अगर आपको कोई प्रोसेस है रैम में पड़ा हुआ, तो ये पता लगाने में कि वो प्रोसेस रैम में है कहाँ है, खोजने में एंड खोज कर वापस ले जाना, उसको क्या बोलते हैं एक्सेस टाइम। तो जैसे ही आप रैम का साइज बड़ा करोगे आपका एक्सेस टाइम भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। 1 GB से 2 GB आपने क्या किया, साइज को इंक्रीज किया, तो आपका क्या होगा एक्सेस टाइम भी आपका इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं एक्सेस टाइम कम हो। तो एंड पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट ऑब्वियस बात है कम हो जाएगा, 1 GB का जो दाम कॉस्ट होगा, ऐसा नहीं होगा 2 GB का कॉस्ट इसके एकदम डबल सा होगा, डबल से कम होगा। चलिए कॉस्ट आपका कम हो जाएगा लेकिन आपका एक्सेस टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो और हमेशा हमारा जो डिजायर होता है कि साइज बड़ा हो, साइज बड़ा हो एंड टाइम कम लगे, तो इसमें हमेशा आपको किसी ना किसी चीज की पेनल्टी देनी पड़ेगी। यहां पर आप अगर साइज इंक्रीज कर रहे हो कॉस्ट तो कम हो रहा है लेकिन आपको एक्सेस टाइम ज्यादा देना पड़ रहा है, तो आपको एक बीच का पाथ खोजना होगा कि आप क्या करो, साइज भी थोड़ा मॉडरेट साइज का हो, एक्सेस टाइम भी उतना ज्यादा ना हो, कॉस्ट भी उतना ज्यादा ना हो। तो ये चीज हमारे डिजायर है लेकिन ये हमेशा फुलफिल नहीं हो सकते हैं। अब हम देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की प्रोसेस कौन कौन से है। मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही अगर आप किसी प्रोसेस को रन करते हो तो वो प्रोसेस आता है रैम में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डिसाइड करेगा कि उस प्रोसेस को मेमोरी में, मेमोरी के किस पार्ट में, उसको रैम के किस पार्ट में उसको मेमोरी एलोकेट करना है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी एलोकेशन। अभी जो एलोकेशन का जो प्रोसेस है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन एंड नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, फिक्स साइज पार्टीशन एंड वेरिएबल साइज पार्टीशन।
एंड नॉन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन में क्या हो सकते हैं, सेगमेंटेशन एंड पेजिंग। कंटिगुअस दो टाइप के हैं, फिक्स साइज पार्टीशन एंड वेरिएबल साइज पार्टीशन, नॉन कंटिगुअस दो। अब आगे आने वाले वीडियो में हम एक एक टाइप को, चारों टाइप को देखेंगे। अभी मैं कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन क्या है, नॉन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन क्या, उसका एक को बताता हूँ क्या है। देखो, नॉन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन में क्या होगा कि आपका जो प्रोसेस होगा, अगर आपका प्रोसेस 4 MB का है या 20 MB का है, तो उसको रैम में एक जगह ही मेमोरी मिलेगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप मान लो कि ये 20 KB का आपका रैम है, सपोज कि 20 KB का रैम है, ठीक है, तो अगर आपका कोई प्रोसेस है 5 MB का, आपको मान लो सॉरी 5 KB का आपका प्रोसेस है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 5 KB का प्रोसेस एक जगह ही मिलेगा इकट्ठा। ठीक है, एक जगह ही कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन में 5 KB का जो एलोकेशन होगा वो एक जगह। ऐसा नहीं होगा कि ये आपका 20 KB का मेमोरी है तो आपको 2 KB यहां पर दे दिया एंड 2 KB यहां पर दे दिया एंड 1 KB यहां पर दे दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको जो 5 KB जो मेमोरी एलोकेटेड होगा वो एक जगह ही होगा, पूरा एक 5 KB का ब्लॉक एलोकेटेड होगा कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में। तो मेमोरी इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस इन कंटिग्यूस, मतलब लगातार। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप इसको ऐसा सोचो कि एरे, जो एरे होता है, एरे में क्या करते हो, ये मेमोरी को इंडेक्सिंग होता है, इसमें 0, 1, 2, 3 ये सब इंडेक्स होता है। ये भी क्या है, कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन है। अगर आप एरे का साइज अगर 10 करते हो, 10 साइज का अगर आप एरे बनाते हो, तो वो 10 साइज क्या, ऐसा थोड़ी है कि दस जो पार्टीशन 10 साइज का, तो उसमें 10 पार्टीशन होंगे, तो ऐसा थोड़ी होगा 5 ब्लॉक यहाँ पर एलोकेटेड होगा, 5 ब्लॉक दूसरी जगह एलोकेटेड हो जाएगा। नहीं, एरे में जो 10 साइज का अगर आप ब्लॉक बनाते हो, 10 साइज का अगर एरे बनाते हो, तो 10 साइज आपको कहाँ एलोकेटेड होगा, एक जगह ही एलोकेटेड होगा। तो वो एक कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि जो भी आपका प्रोसेस होगा उसको जो मेमोरी मिलेगी वो इकट्ठे मिलेगी, एक ही जगह मिलेगी। तो अब क्या होता है, ये फास्ट होता है एंड इजी टू एक्सेस होता है। फास्ट क्यों होता है कि जैसे मान लो कि अगर आप ये एरे है 8 साइज का ये एरे है, ठीक है, एंड अगर आपको मैं बोलूं कि ये हर मेमोरी ब्लॉक, इसका भी अपना एक एड्रेस होगा, इसका भी अपना एड्रेस होगा, इसका भी एड्रेस होगा, सबका अपना अपना एड्रेस होगा। अगर मैं बोलूं कि अगर आपको फिफ्थ जो ब्लॉक है, ऐसे तो 6 ब्लॉक है, जो 5 नंबर जो ब्लॉक है उसका एड्रेस क्या होगा, आप क्या करोगे, इजिली आप एक्सेस कर सकते हो। कैसे, बेस एड्रेस में आप इंडेक्स नंबर ऐड करोगे, इजिली आप क्या करोगे, उस इसका एड्रेस आपको फाइंड आउट हो जाएगा, यहां पर जो डेटा है आप उसको इजिली एक्सेस कर सकते हो। तो एक्सेस फास्ट हो जाएगा एंड इजी टू एक्सेस है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसका डिसएडवांटेज है, जो कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन है इसका एडवांटेज क्या है, फास्ट है, इजी टू एक्सेस है, एंड डिसएडवांटेज क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे कि सपोज करो कि आपके पास 20 KB का एक रैम है, ठीक है, आपने यहां पर 5 KB एलोकेट कर दिया, आपने यहां पर 3 KB एलोकेट कर दिया, आपने यहां पर 2 KB एलोकेट कर दिया, ठीक है, तो टोटल आपका मेमोरी कितना एलोकेटेड है, 5 KB, 3 KB, 2 KB। ये एलोकेट का मतलब, एक कोई प्रोसेस है जो 5 KB का यहां पर रन कर रहा है, इस पार्ट में मेमोरी एलोकेटेड है, जो एक कोई 3 KB का प्रोसेस है वो इस पार्ट में रन कर रहा है, एंड एक कोई 2 KB का प्रोसेस है जो इस पार्ट में यहां पर एलोकेटेड है। एंड अब आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कोई एक 10 KB की प्रोसेस की, ठीक है, 10 KB का प्रोसेस आपको एलोकेट करना है, क्या आप एलोकेट कर पाओगे, नहीं, क्यों, क्योंकि आपका ये जो साइज है 5 KB का है, ये 2 KB, ये 3 KB, तो ये आपका 5 KB का एक पार्ट बचा हुआ है एंड ये आपका 5 KB का एक पार्ट बचा हुआ है, ये 5 KB का है, ये भी 5 KB का है, तो आपको 10 KB एलोकेट करना है। एंड आपको 10 KB कैसा चाहिए, इकट्ठा एक जगह कंटिगुअस में चाहिए 10 KB, लेकिन वो 10 KB आपके पास नहीं है, एक कंटिगुअस में 10 KB नहीं है, ओवरऑल आपके पास 10 KB है लेकिन आप कंटिगुअस में आपके पास 10 KB नहीं है, तो आप क्या करोगे, प्रोसेस को आप एलोकेट नहीं कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि आपको जितने साइज की रिक्वायरमेंट है, जितने साइज की प्रोसेस है, उतने साइज का अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है, उतने साइज का आपके पास मेमोरी है, ठीक है, जैसे आपको 10 KB का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, 10 KB का आपके पास मेमोरी है लेकिन आप एलोकेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो जो 10 KB है आपके पास कंटिगुअस में नहीं है, फ्रेगमेंटेड है। तो इस डिसएडवांटेज को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जिसकी वजह से आपको ये जो 10 KB का प्रोसेस है वो आप एलोकेट नहीं कर सकते एंड वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा।
या वो अभी रन ही नहीं हुआ। नॉन कंटिगुअस में क्या करेंगे कि आप प्रोसेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करोगे, प्रोसेस विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट पार्ट विल बी स्टोर्ड इन डिफरेंट लोकेशन। जैसे आपका कोई प्रोसेस, जैसे आप लिंक लिस्ट याद है, लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर में होता था, उसमें आप क्या करते थे कि अलग अलग नोड बनाते थे, ठीक है। ये जो फर्स्ट नोड होता था उसको पता होता था कि सेकंड नोड का एड्रेस क्या है, एंड जो सेकंड नोड होता था उसको पता होता था कि थर्ड नोड का एड्रेस क्या है। ये फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ एंड थर्ड हुआ। उसी तरह आप क्या करोगे कि जो प्रोसेस होगा उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, एंड एक जो पार्ट, जैसे आपने सपोज किया कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। जो पार्ट वन होगा उसके एंड में जो सेकंड पार्ट होगा उसका आपने एड्रेस रखना है, ठीक है, सेकंड पार्ट का एड्रेस होगा। जैसे क्या होगा कि आप जो मेमोरी है, जैसे ये सेम सिचुएशन अगर लेते हैं तो ये 5 KB, ये 2 KB, ये 3 KB, एंड आपके पास 10 KB का प्रोसेस एलोकेट करना है, टोटल आपके पास 20 KB का ये रैम है। तो आप क्या करोगे, ये जो 10 KB का प्रोसेस को टू पार्ट में डिवाइड करोगे, 5 KB एंड 5 KB, एंड उसके एक पार्ट में क्या होगा कि सेकंड उसको यहां पर 5 KB यहां पर एलोकेट कर दोगे एंड 5 KB यहां पर एलोकेट कर दोगे, ठीक है। उसको डिवाइड कर नॉन कंटिगुअस में क्या होगा कि जो प्रोसेस है उसको एक कंटिगुअस फैशन में उसको मेमोरी नहीं मिलेगी, उसको पार्टीशन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, एंड उसको जो रैम होगा उसके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को मेमोरी मिलेगी। तो इसमें नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, उसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। लेकिन लार्ज एक्सेस टाइम, लार्ज एक्सेस टाइम क्यों, क्योंकि इसमें आपको अगर लिंक लिस्ट में अगर आपको याद हो, अगर आपको डायरेक्टली मैं बोलूं कि आप इसका जो थर्ड नोड है आप उसको एक्सेस कर सकते हो, नहीं, आपको क्या करना होगा, पहले फर्स्ट नोड को एक्सेस करना होगा, वहां पे आपको एड्रेस मिलेगा सेकंड नोड का, एंड सेकंड नोड के एंड में आपको एड्रेस मिलेगा थर्ड नोड का। तो आपको थर्ड नोड का एक्सेस करने के लिए थर्ड नोड का आपको एड्रेस चाहिए, एंड थर्ड नोड का एड्रेस कहां है, सेकंड नोड के एंड में, एंड सेकंड नोड का एड्रेस कहां है, फर्स्ट नोड के एंड में। तो आपको क्या करना होगा, पहले फर्स्ट नोड, फिर सेकंड नोड, फिर थर्ड नोड। ऐसे अगर सोचो, अगर आपको लार्ज नंबर ऑफ नोड हो तो आपको अगर एंड वाला नोड अगर एक्सेस करना हो तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट से लेकर एंड तक आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तब जाकर आप उस पार्ट को एक्सेस कर पाओगे। तो जो नॉन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन है उसमें भी सेम हम चीज कर रहे हैं कि प्रोसेस को डिवाइड कर दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, एंड उसको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर स्टोर कर रहे हैं, एंड हर पार्ट में नेक्स्ट लोकेशन का, नेक्स्ट पार्ट का एड्रेस हमारे पास रह रहा है। तो अगर आपको किसी पार्ट को अगर एक्सेस करना है तो आपको क्या करना होगा, पहले पार्ट में जाना होगा, फिर उसके एंड में नेक्स्ट पार्ट का एड्रेस होगा, फिर उसके नेक्स्ट में नेक्स्ट पार्ट का एड्रेस होगा, तब जाकर आप उस पर्टिकुलर पार्ट को, प्रोसेस के पार्ट को, ब्लॉक को एक्सेस कर पाओगे। तो इसकी वजह से आपका क्या होगा, एक्सेस टाइम लार्ज हो जाएगा। आई थिंक आपको कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन, नॉन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन क्लियर हो गया होगा। कंटिगुअस में बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है कि आपको जो प्रोसेस होगा उसको रैम में कंटिगुअस फैशन में एक जगह इकट्ठे आपको मेमोरी देनी है। 5 KB का है तो 5 KB एक ही जगह मिलेगा, अगर 10 KB का है तो 10 KB एक ही जगह मिलेगा। नॉन कंटिगुअस में क्या करोगे, आप प्रोसेस को डिवाइड कर सकते हो एंड इसके कुछ कुछ पार्ट को अलग अलग रैम के अलग अलग लोकेशन में आप उसको मेमोरी दे सकते हो। कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन में आपको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि आपको जितने साइज की प्रोसेस रन करनी है उतना साइज आपके मेमोरी में अवेलेबल है, टोटल स्पेस अवेलेबल है, लेकिन वो स्पेस कंटिगुअस फैशन में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आप उस प्रोसेस को रन नहीं कर पाओगे। जैसे यहां पर आपको 10 KB का प्रोसेस रन करना था, आपके पास टोटल 10 KB का स्पेस अवेलेबल था, लेकिन 10 KB यहां पर अवेलेबल था एंड 10 KB यहां पर अवेलेबल था, वो कंटिग्यूस में 5 KB यहां पर अवेलेबल था, 5 KB यहां पर अवेलेबल था, कंटिग्यूस में 10 KB अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से आप ये 10 KB का प्रोसेस रन नहीं कर पाओगे। तो आपके पास मेमोरी होते हुए भी आप उस प्रोसेस को रन नहीं कर पा रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। आपके पास 10 KB का मेमोरी है, ऐसा नहीं है कि मेमोरी नहीं, मेमोरी है, लेकिन फिर भी आप 10 KB का प्रोसेस रन नहीं कर पाओ, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। नॉन कंटिग्यूस मेमोरी में प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट करेंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में स्टोर करेंगे, एंड हर पार्ट में नेक्स्ट पार्ट का एड्रेस होगा, जिसकी वजह से हम उसको एक्सेस करेंगे। तो इसकी वजह से इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो नहीं होगा, लेकिन इसमें एक्सेस टाइम लार्ज होगा। अगर आपको इस ये वीडियो अच्छा लगा एंड इसमें आपको मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी प्रोसेस समझ में आए, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।